पीएम मोदी जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने बिहार के जमुई में रैली को संबोधित किया। उनकी इस रैली को लेकर आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने करारा हमला किया है। तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से बिहार की जनता के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी। तो ऐसा क्या कहा है नीतीश ने, क्या सवाल किए हैं तेजस्वी यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की जमुई रैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं। गुरुवार को अपने चुनाव अभियान के तहत पीएम मोदी बिहार के जमुई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, साथ ही अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहे। नीतीश कुमार को एक बार फिर सफाई देनी पड़ी कि अब वो नहीं पलटेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के फिर से पलटने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसलिए नीतीश कुमार को एक बार फिर कहना पड़ा, प्रधानमंत्री जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। जिसे देखते हुए ये साफ हो गया है कि अब तक बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्हें बार बार बीजेपी को ये बताना पड़ रहा है कि अब वो पाला नहीं बदलेंगे। नीतीश पर सवाल उठ रहे थे, तो दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री जी कृपया रैली में ये बताने का कष्ट करें कि 10 वर्षों में जमुई में कितने कारखाने लगवाए, 10 वर्षों में जमुई में केंद्र से कितना निवेश आया, 10 वर्षों में जमुई में कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट दिया, 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जमुई के कितने युवाओं को नौकरी दी, 10 वर्षों में दो बार 2014-2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के अलावा आप जमुई में कभी भी विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं आए। आशा है आप मुद्दों की बात कर बिहार वासियों को 10 वर्षों का हिसाब किताब देंगे। वैसे जो सवाल तेजस्वी ने उठाए, पीएम मोदी ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।